शॉन घने जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। आज वो बहुत खुश था। वो शहर में अपनी बहन सूजी को मिलकर आ रहा था। उसकी बहन फर्स्ट क्लास में पास हो गई थी। थोड़े आगे जाते ही उसने देखा एक लड़की सड़क पर खड़ी रहकर लिफ्ट मांग रही थी। उसके बाजू में स्कूटर खड़ा हुआ था। शॉन ने अपना स्कूटर उस लड़की के पास रोक दिया। शॉन ने उस लड़की को पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी आगे तक लिफ्ट दोगे? ये सुनकर शॉन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। लड़की शॉन के स्कूटर पर बैठ गई। शॉन स्कूटर लेकर आगे जाने लगता है। वो सोचता है, आज कितनी सुंदर लड़की मेरे पीछे बैठी है। शॉन को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। शॉन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम रूबी है और मैं शहर में रहती हूँ। शॉन ने कहा, मेरा नाम शॉन है और मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। वो लोग स्कूटर पर जंगल में से जा रहे थे। शॉन ने शर्माते हुए कहा, मैं एक बात पूछूँ, तुम बुरा तो नहीं लगाओगी? रूबी ने कहा, नहीं मैं बुरा नहीं लगाऊंगी, पूछो ना। शॉन ने कहा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शॉन की बात सुनकर रूबी शर्म से लाल हो जाती है। रूबी ने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और शॉन कहता है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? रूबी थोड़ी देर चुप हो जाती है और रूबी कहती है, हाँ शॉन ज़रूर। ये बात सुनकर शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शॉन ने कहा, तो चलो यहाँ मेरे दोस्त की आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ आइसक्रीम खाने चलते हैं। और शॉन और रूबी रॉड की दुकान के पास जाने लगते हैं। यहाँ गुल्ली बुल्ली और बाबा गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा ये शॉन किसी लड़की को लेकर यहाँ आ रहा है, ये कौन है? गुल्ली की बात सुनकर सभी लोगों ने शॉन की ओर देखा। शॉन अपनी गाड़ी रोकता है। शॉन ने देखा गुल्ली बुल्ली और बाबा भी वहीं पर थे। शॉन तुरंत दौड़कर बाबा की गाड़ी के पास जाता है। बाबा ने कहा, शॉन ये सब क्या है? शॉन कहता है, बाबा ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। शॉन की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी शॉन ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन। और शॉन जल्दी से उस लड़की के पास गया और वो दोनों चलते हुए रॉड की दुकान के पास जाते हैं और बाहर कुर्सी पर बैठते हैं। शॉन ने कहा, रूबी तुम्हारे घर पर कौन कौन है? रूबी ने कहा, नहीं मेरे घर पर तो कोई नहीं है, मैं अकेली ही शहर में रहती हूँ। रूबी ने कहा, शॉन तुम्हारे घर पर कौन कौन है? शॉन ने कहा, नहीं हमारा जो कुछ है वो बाबा ही है, हम लोग बाबा की ही बात मानते हैं। तभी शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। शॉन ने कहा, तुम खड़ी हो जाओ। रूबी खड़ी हो जाती है और शॉन भी खड़ा हो जाता है और शॉन रूबी को प्रपोज करता है और कहता है, रूबी आप मुझसे शादी करोगे? शॉन की बात सुनकर रूबी शर्मा जाती है और रूबी अपना सिर हाँ में हिलाती है। शॉन रूबी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। शॉन ने रूबी से कहा, रूबी तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ये बाबा को बता के आता हूँ। शॉन तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास जाता है। शॉन बाबा से कहता है, बाबा रूबी ने शादी के लिए हाँ कर दिया। शॉन की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, कब कर रहे हो शादी? शॉन ने कहा, वो तो हमने नहीं सोचा, रुको मैं उसी को बुला लेता हूँ। और शॉन रूबी को इशारे में बुलाता है। रूबी चलती हुई शॉन के पास आती है। शॉन रूबी से कहता है, रूबी हमें शादी कब करनी है? रूबी ने कहा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, पर परसों मैं शहर चली जाऊंगी, फिर मैं 3 महीने के बाद ही आ पाऊंगी।
रूबी की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। बाबा ने कहा, क्यों ना तुम लोग कल ही शादी कर लो। शॉन कहता है, हाँ बाबा, ये आपने सही कहा। बाबा ने कहा, तो कल सुबह 10 बजे पहाड़ी के पीछे वाली पुरानी चर्च में चलते हैं, क्या कहते हो शॉन? शॉन ने रूबी की ओर देखा। रूबी ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। रूबी की बात सुनकर गुल्ली ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन शॉन। गुल्ली ने भी कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। शॉन ने कहा, थैंक यू। बाबा कहते हैं, ठीक है शॉन, चलो तो फिर कल सुबह 10 बजे चर्च पे मिलते हैं। शॉन ने कहा, ठीक है बाबा, आप लोग टाइम पर पहुंच जाना। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और गुल्ली बुल्ली और बाबा गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। शॉन ने रूबी से कहा, चलो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल सुबह चर्च में मिलते हैं। रूबी ने कहा, रुको शॉन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। शॉन ने कहा, बोलो रूबी, क्या बात करनी है? रूबी कहती है, शॉन तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। रूबी की बात सुनकर शॉन बहुत खुश हो जाता है और शॉन कहता है, क्या है वो सरप्राइज, जल्दी से बताओ। रूबी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुम किसी को नहीं बताओगे तो? शॉन ने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रूबी ने कहा, कल सुबह 1 घंटे पहले चर्च पर आ जाना, मैं तुम्हें शादी से पहले एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। शॉन ने कहा, ठीक है रूबी, कल 1 घंटे पहले मैं चर्च पर पहुंच जाऊंगा। और शॉन और रूबी स्कूटर के पास जाने लगते हैं। गाड़ी लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग स्कूटर पर जा रहे थे, तभी रूबी ने कहा, बस शॉन, मुझे यहाँ पर ही छोड़ दो। शॉन अपनी गाड़ी रोक देता है और रूबी नीचे उतर जाती है। शॉन ने कहा, मुझे तुम्हारी सरप्राइज का इंतजार रहेगा, मैं सुबह 9 बजे चर्च पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। रूबी कहती है, हाँ शॉन, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। शॉन ने कहा, ठीक है, और शॉन स्कूटर लेकर वहां से चला जाता है। पर शॉन को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि रूबी और कोई नहीं बल्कि इविल नन थी।